हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप्स ऑल आर फाइन। सो गाइस, आज हम करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के एमसीक्यूज क्वेश्चंस। तो यहाँ पे मैंने 15 एमसीक्यूज क्वेश्चंस लिए हैं जो कि 1 मार्क ईच के क्वेश्चन हैं। गाइस, इसके साथ साथ मैं इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ जिसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी आपको, आप लोग मुझे आंसर बताएंगे, वो भी नीचे कमेंट सेशन में। तो देखते हैं किसका आंसर सही होता है और किसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है। तो चलिए क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, टिश्यू फ्लूइड इज आल्सो कॉल्ड। गाइस, टिश्यू फ्लूइड को और क्या कहते हैं? तो इंटरस्टीशियल फ्लूइड या फिर इंटरसेलुलर फ्लूइड कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इंटरस्टीशियल और इंटरसेलुलर फ्लूइड। देन नेक्स्ट इज, इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट। गाइस, कितने लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है? तो ह्यूमन बॉडी में 5 to 6 liters ब्लड प्रेजेंट होता है। डायरेक्ट आप लोगों को इसकी वैल्यू याद रखनी है। देन नेक्स्ट इज, द पीएच ऑफ द ब्लड इज। गाइस, ब्लड का आपको पीएच बताना है। तो गाइस, जो ब्लड का पीएच होता है दैट इज 7.3 to 7.43, है ना। डायरेक्ट वैल्यू याद रखिएगा क्योंकि जो हमारा ब्लड होता है वो हल्का सा एल्कलाइन नेचर का होता है। तो 7.3 टू 7.43 के बीच में इसका पीएच रहता है। देन नेक्स्ट इज, ब्लड सेल आर मैन्युफैक्चर्ड इन। गाइस, जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं वो कहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड होते हैं? तो वो मैन्युफैक्चर होते हैं बोन मैरो में। तो ए ऑप्शन आ जाएगा बोन मैरो। देन रेड ब्लड सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड। गाइस, रेड ब्लड सेल्स को और क्या कहते हैं? तो एराइथ्रोसाइट्स कहते हैं। तो सी ऑप्शन आ जाएगा एराइथ्रोसाइट्स। देन प्लैटिलेट्स आर वेल नोन एज। गाइस, प्लैटिलेट्स को और क्या कहा जाता है? तो थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। तो इधर आ जाएगा बी ऑप्शन, थ्रोम्बोसाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन, ल्यूकोसाइट्स आर वेल नोन एज। गाइस, ल्यूकोसाइट्स को क्या कहते हैं? तो ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं वो हमारे WBCs होते हैं, डैट इज व्हाइट ब्लड सेल्स। तो ए ऑप्शन आ जाएगा व्हाइट ब्लड सेल। देन नेक्स्ट, द नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन अ नॉर्मल हेल्दी एडल्ट ह्यूमन इज। गाइस, आपको यहाँ पर बताना है कि जो नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है नॉर्मल ह्यूमन बींग का। तो गाइस, जो नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है डैट इज 80 mm of Hg। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है नॉर्मल वो 120 mm of Hg होता है, और जो डायस्टोलिक होता है डैट इज 80 mm of Hg। तो यहाँ पर आ जाएगा ए ऑप्शन, डैट इज 80 mm of Hg। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टू वर्ड्स आइटम मीन्स द सेम थिंग। गाइस, आपको यहाँ पे बताना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन में दो वर्ड्स गिवन है और आपको बताना है किसका मीनिंग सेम होता है। तो देखिए, फर्स्ट में आपको गिवन है ब्लड कैंसर एंड हीमोफीलिया। क्या ये दोनों वर्ड सेम है? तो नहीं गाइस, सेम नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट इज पेस मेकर एंड एसे नोड। यस, पेस मेकर एंड एसे नोड सेम होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर मिल गया, हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन, दैट इज पेस मेकर एंड एसे नोड, दोनों ही सेम होते हैं। जो हमारा पेस मेकर होता है दैट इज एसे नोड। देन नेक्स्ट, स्नेक विनोम यूजुअली एंटर द बॉडी थ्रू एंड ओपन वोन एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द। गाइस, जो स्नेक विनोम होता है मीन्स जब स्नेक बाइट कर जाता है तो जो स्नेक विनोम होता है वो बॉडी के अंदर एंटर करता है। तो किसके थ्रू वो बॉडी के अंदर एंटर करता है वो आपको बताना है। वेन्स के थ्रू, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू, या फिर नन ऑफ दीज। तो गाइस, यहाँ पर आ जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम। जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसी के अंदर एंटर करता है। देन नेक्स्ट है, विच ब्लड वेसल्स बिगिंस एंड एंड्स इन कैपिलरीज। गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कौन सी ब्लड वेसल बिगिन और एंड होती है कैपिलरीज से, मींस कैपिलरीज से ही स्टार्ट होती है और कैपिलरीज में ही एंड होती है। तो ऐसी आपको ब्लड वेसल बतानी है। तो गाइस, वो ब्लड वेसल होती है हेपेटिक पोर्टल वेन। याद रखिएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा हेपेटिक पोर्टल वेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देन नेक्स्ट, डैश इज अ स्मॉल ब्रांच ऑफ एन आर्टरी दैट लीड्स इन टू कैपलरीज। गाइस, आर्टरीज की स्मॉल ब्रांच बतानी है जो कि एट लास्ट कैपलरीज में मिल जाती है। तो जो आर्टरीज की स्मॉल ब्रांच होती है दैट इज आर्टीरियोल्स। तो सी ऑप्शन आ जाएगा आर्टीरियोल। अब देखिए, यहाँ पर आपको
कंफ्यूज करने के लिए दो ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं जिससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहला ऑप्शन आपको बी वाला गिवन है एरियोलस एंड सी वाला गिवन है आर्टीरियोल्स। तो दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज मत होइएगा। आर्टरीज डिवाइड होती हैं आर्टीरियोल्स में और फिर वो कैपिलरीज में मिल जाती हैं। तो जो आर्टरीज की ब्रांच होती है दैट इज आर्टीरियोल्स, तो सी ऑप्शन आ जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ 13th क्वेश्चन, डैश इज द कंडीशन वेयर अ ब्लड क्लॉट फॉर्म्स इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। गाइस आपको वो कंडीशन बतानी है जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाता है, तो दैट इज थ्रोम्बस। याद रखिएगा कौन सी होती है, थ्रोम्बस। मीन्स जो थ्रोम्बस वर्ड होता है वो मेनली ब्लड क्लॉट से रिलेटेड होता है ना, तो थ्रोम्बस। Then next, the artery that supply blood to all parts of the body is called. Guys, again this question is also important question कि कौन सी जो artery है वो हमारे body के सभी parts को blood supply करती है, तो that is aorta. तो A option आ जाएगा aorta, है ना। Then last question, the adult human heartbeat about dash time in a minute. Guys, जो adult human heartbeat होती है वो कितने times मतलब heartbeat करता है एक मिनट में। तो guys value आपको direct याद रखनी है, that is 72 times. तो D option आ जाएगा 72 times। याद दिखेगा कि जो adult human heart होता है वो 72 times beat करता है एक मिनट में। क्लियर, तो 72। तो गाइस ये हो गए सारे क्वेश्चन। आप देख सकते हो कि क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, मींस आपकी आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी है, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। तो गाइस अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ जिसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे नीचे कमेंट सेशन में। सो गाइस क्वेश्चन इज, नेम द ब्लड वेसल्स विच कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया। मैं दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ। नेम द ब्लड वेसल विच कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया। आपको ऐसी ब्लड वेसल बतानी है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया प्रेजेंट होता है ना। तो जल्दी जल्दी से आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, देखते हैं किसका आंसर सही है और किसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है। सो गाइस अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के एमसीक्यूज क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।